हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून या बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा वायरल, बैक्टीरियल और इस तरह की संक्रमित बीमारियां फैलती है और बहुत ज़्यादा तादाद में, कसीर तादाद में बच्चे, बड़े, ज़यीफ सभी लोग जो है तो मुतासिर हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप लोग जानते होंगे मलेरिया भी इन दिनों बहुत काफ़ी यानी कि संक्रमित होते हैं इससे लोग। तो मलेरिया का नाम आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको मलेरिया के बारे में बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूँ कि दोस्तों ये मलेरिया क्या होता है, कैसे होता है और इसके जो है तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इससे कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और इसके लिए कौन सी जाँच की जाती है। तो इस तमाम बातों को जानने के लिए आप इस क्लिप को ज़रूर पूरा देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, अगर हम कि भी मलेरिया जो है वो किस टाइप का यानी कि ये बीमारी क्या है, ये वायरल है या बैक्टीरियल है? तो ये एक यानी कि ना बैक्टीरियल है, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर, ना ये वायरल है ना बैक्टीरियल है, बल्कि ये एक पैरासाइट से होने वाला यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम। जी हाँ दोस्तों, ये प्लाज्मोडियम यानी पैरासाइट से होने वाला एक बीमारी है जिसको फीमेल एनाफिलीज नाम का जो मच्छर है तो उसके काटने से यानी जो मुतासिर मच्छर है उसके ये यानी जितने मच्छर फैल रहे हैं, ये फिर रहे, ये घूम रहे, ये वो मच्छर सब मच्छरों के अंदर नहीं होता है, ये सिर्फ मखसूस या स्पेशली फीमेल एनाफिलीज नाम का जो मच्छर उसकी जो मुतासिर है उसी के काटने से होता है। तो इस तरह ये पैरासाइट से प्लाज। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि इसके टाइप्स क्या है। तो मलेरिया के आम तौर से चार किस्में होती है या टाइप्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम ये इसकी एक पहली अकसाम या टाइप है। ये आम तौर से अफ्रीका के अंदर बहुत आम तौर से ज्यादा यानी कसी तादाद में पाया जाता है और ये मलेरिया में सबसे डेंजरस माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जाने चली जाती है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम वीवेक्स है, इसके अलावा प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम ओवेल है, इसके अलावा प्लाज्मोडियम मलेरिया है। ये जब इंसान के बॉडी के अंदर आ जाता है तो ये सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करते हुए लीवर पहुंच जाता है। लीवर में जाने के बाद ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद रेड ब्लड कॉर्पल्स के अंदर पहुंच जाता है, फिर वहां से ये सेल रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाकर ग्रोथ होने लगती है और इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। इस तरह ये इसकी एक ट्रेवलिंग है या फिर इसका स्पीड इस तरह से होता है। तो दोस्तों याद रखिए, हर रेड ब्लड कार्पल्सन जो है हर 48 और 72 आवर्स के बाद बस्ट होना शुरू होते हैं। तो बस्ट होने की वजह से जो टाइम इनका 48 या 72 आवर्स के बाद ये जब बस्ट होते हैं आरबीसीज, तो ये इन्फेक्टेड जो होते हैं तो उस टाइम पर चील्स होती है या ठंडी बच के आती है। इसकी अहम वजह क्या है कि हम देखते हैं मलेरिया के अंदर एक अहम अलामत मलेरिया के अंदर क्या है कि फीवर भी चील्स होता है, यानी कि बुखार जो है ये ठंड के साथ या फिर ठंडी बच के आती बुखार के साथ। तो अब दोस्तों हम जानेंगे कि अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो उसकी क्या क्या अलामतें हैं, क्या क्या निशानियां हैं, उसका किया जाता है। तो दोस्तों, जिसको भी मलेरिया हो जाता है उसको आम तौर से जो सिम्टम्स उसके अंदर नजर आते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इन शॉर्ट आप याद रखिए तीन स्टेज होते हैं। पहला तो एक स्टेज होता है कोल्ड स्टेज, दूसरा जो होता है वो हॉट स्टेज, तीसरा जो होता है वो स्वीटिंग स्टेज। ये एक आम तौर से मैं आपको समझने के लिए बताया। वैसे तो बॉडी के बहुत सारे सिस्टम या ऑर्गन्स इसमें मुतासिर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले गया है पैरासाइट्स, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स जब ये मुतासिर कर दिया तो बहुत सारे सिस्टम इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसी के अंदर सबसे ज्यादा बुखार यानी तेज बुखार का रहना, यहाँ तक के 104 106 तक के जो तो हाई ग्रेड फीवर रहता है, बुखार के साथ ठंडी बजना यानी फीवर विथ चिल्स की हिस्ट्री होती है और साथ ही पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है, वोमिटिंग जैसा फील होता है यानी नोशिया उसको रहती है, अबडोमिनल पेन रहता है, साथ ही उसको ड्राई कफ रहता है यानी सूखी खांसी रह सकती है, उसके स्प्लिन जो है उसके अंदर इनलार्जमेंट हो जाता है यानी स्प्लिन जो इसके चार टाइप्स मैंने आपको बताया, तो वो टाइप्स के मुखा यानी जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं तो वो
उनके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसके मुताबिक वो साइन एंड सिम्टम्स थोड़े बहुत अलग अलग हो सकते हैं। तो फाल्सीपेरम का या फिर जिसको हम कहेंगे कि जो दूसरे उसके जो टाइप्स है इसके उसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो थोड़े से डेंजरस या सीवियर हो सकते हैं। तो दोस्तों कभी कभी इसके साइन एंड सिम्टम्स हमारे लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। जी बात कर रहे हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि इसको कैसे, तो एक दोस्तों इसमें है एंटीजन बेस्ड टेस्ट, यानी इसके अंदर एंटीजन बेस्ड टेस्ट में क्या होता है, हमको रैपिड टेस्ट है ये, इसका जो रिजल्ट है वो हमको बहुत जल्द पता चल जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा एक टेस्ट है ब्लड स्मेयर टेस्ट है, यानी जिसकी रिपोर्ट को बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह इसके टेस्ट किए जाते हैं आमतौर से, जो अभी प्रैक्टिस में देखा जाता है PS4 MP लिखकर हम डॉक्टर देते हैं। इसके अलावा खून अगर चेक कर रहे हैं हम या मलेरिया की जांच अगर हम कर रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखिए कि अगर हम इस मलेरिया की अगर जांच कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि खाली पेट रहना बेहतर है। इसके अलावा जिस वक्त ठंडी बच के आ रही है यानी सर्दी लग रही है उस टाइम पर, या फिर हाई ग्रेड फीवर है उस टाइम पर ब्लड का सैंपल देना ये बेहतर माना जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन यानी इससे बचाव का क्या जरिया हो सकता है, तो बचाव के बहुत सारे जरिए हैं दोस्तों। सबसे पहले याद रखिए जिस संक्रमित एरिया, जो अफेक्टेड एरिया है, या पता चला कि ये एरिया के अंदर बहुत ज्यादा मलेरिया है, या फिर हम ट्रैवलिंग करके एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर इस तरह का संक्रमित है या फिर बहुत सारे लोग इस तरह से ग्रस्त है, तो हम उस एरिया में जाने से पहले, हम वहाँ जाने से पहले एंटी मलेरियल जो मेडिसिन होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से लें और फिर हम वहाँ पर जाएं या सफ़र करें। तो इसके प्रिवेंशन में सबसे बेस्ट प्रिवेंशन है। इसके साथ ही जैसे कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है और जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया कि मच्छर की वजह से हो रहा है, तो हम अपने अपने जो घर है उसके आसपास में जो है तो सफाई का खास एहतमाम रखें, मच्छर को पनपने ना दें। और जहाँ यानी कि पानी जमा हुआ है, देखते हम कि बहुत सारी जगह पर पानी जमा हुआ रहता है जहाँ पर मच्छर आकर बैठ जाते हैं, और इस तरह के दूसरे भी हमारे माहौल के आसपास कहीं भी इस तरह का पानी, खराब पानी ना जमा रहे, ना कूड़ा ना कचरा ना किसी तरह की गंदगी ना रहे, और जो गटर है नाली है इस तरह से हम जो है तो उनसे भी बचने की कोशिश करें ताकि मच्छर कहीं भी जो है तो ना पन के, क्योंकि मच्छर जो है ऐसी एरिया में होते हैं, ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर गंदगी हो, कंटामिनेटेड जो सब चीज़ें होती है वहीं पर मच्छर ज़्यादातर पनपते हैं। तो इसलिए हम सफाई का खास ख्याल रखें और बच्चों को खासकर इससे दूर रखने की कोशिश करें, प्रेग्नेंट वीमेन्स जो होती है, क्योंकि इसकी वजह से फिटल को या फिर बच्चे को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए प्रेग्नेंट वीमेन को भी और छोटे बच्चों को इससे दूर रखने के लिए जो है तो नेट का या फिर जाली का इस्तेमाल करें, और इस तरह से मच्छर से बचने के लिए हम जो जो तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, जो लोशन लगा सकते हैं या फिर कोई जो भी हम तरीका इख्तियार कर सकते हैं, हम किसी तरीके से हम बचने की कोशिश करें और इसके लिए अवॉइड करें लोगों को और समझाएं, जागरूक करें लोगों को इस तरह से, ताकि जो मौसम आ चुका है इसके अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और जहाँ पर पब्लिक यानी कि क्राउडेड एरिया है या पब्लिक प्लेस है जैसे कि स्कूल है या फिर कॉलेजेस है, तो ऐसी जगह पर खासकर छोटे बच्चे भी अगर है स्कूल के अंदर तो ऐसी जगहों को भी साफ सफाई रखने की कोशिश। तो साथ ही दोस्तों इसके अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों इसके लिए जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, एंटी मलेरियल जो मेडिसिन इसमें दी जाती है वो अलग अलग फॉर्म में होती है, यानी कि इंजेक्टेबल फॉर्म में भी होती है, डॉक्टर उसको या तो IV के रूट के थ्रू दे सकता है या फिर सलाइन के अंदर डालकर दे सकता है या फिर उसके जो इंजेक्शन फॉर्म में आते हैं तो वो डिपेंड करता है रिपोर्ट के ऊपर। तो जो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है मलेरिया का वो डिपेंड करता है रिपोर्ट पर कि वो किस टाइप का यानी कि मलेरिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मलेरिया के अलग अलग अकसाम हैं, तो वो मलेरिया की जो अकसाम है उस पर डिपेंड करता है किस टाइप का मलेरिया है, फिर वो हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा ओरल मेडिकेशंस भी होती है यानी एंटी मलेरियल जो है। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम है जैसे कि हाई ग्रेड फीवर है तो उसके हिसाब से एंटी पैरेटिक्स वगैरह दी जाती है, अबडोमिनल पेन है तो उसके साथ ही जो नोशा वोमिटिंग हो रही है तो एंटासिक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जनरल वीकनेस के हिसाब से उसके हिसाब से जो है तो मल्टीविटामिन मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों ये था मलेरिया के ताल्लुक से,
एक अहम जानकारी। आई होप कि आपको तमाम बातें समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं उसके आपको जवाब दे सकता हूँ। और अगर ये क्लिप आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारा चैनल मेडिकोज लाइफलाइन को सब्सक्राइब करें और इस क्लिप को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।